नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सेल्फ डिफेंस एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई दुश्मन आपको लाठी से या टंडे से अटैक करता है तो आप उस स्थिति में उस दुश्मन से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई दुश्मन इस तरह से आपके ऊपर लाठी या डंडे से अटैक करता है तो आपको सबसे पहले अपना बचाव करना है, ना कि हमें दुश्मन को मारना है। इसके लिए हमें सबसे पहले दुश्मन के सामने देखना है और डंडे को नहीं देखना। अगर आपने डंडा देखा तो दुश्मन आपको मार सकता है। इस स्थिति में सबसे पहले जैसे ही दुश्मन आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आप अपना हाथ इस तरह से आगे लाएंगे। दोस्तों, आप अपना हाथ इस तरह से आगे लाएंगे। अगर ये डंडा आप दुश्मन मार रहा है आपको और ये डंडे से आपने इस तरह से रोका तो पक्का आपका हाथ टूट जाना है, आप अपने हाथ को बचा नहीं सकते हो। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, फिर से देखिए। अगर कोई दुश्मन आपको डंडे से मार रहा है तो आपको कलाई के पास में और डंडे के बिल्कुल नज़दीक इस तरह से उसका डंडा रोकना है और डंडा आपके ऊपर आ नहीं सकता है। दोस्तों, नहीं आ सकता है, ये आपका पहला बचाव है। दोस्तों, आपके समझ में आ रही है, ये आपका पहला बचाव है, आपको इस तरह से रोकना है तो आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आप किसी ने आपको मारा और आप अपने बचाव में पहली स्टेज में आपने अपने हाथ से उसको रोका, जैसे ही डंडा रुका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम बचते हैं या भाग जाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जैसे ही इन्होंने मारा और अगर मैं डर के इनसे भागने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे डंडा मारेंगे और मेरे लग जाएगी, और अगर मैं दोबारा से भागता हूँ तो मेरे पीछे दोबारा आके मुझे पक्का मारेंगे और मेरे डंडा 101% पड़ना है और मुझे नुकसान होना ही होना है। इस स्थिति में दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। अगर बंदा आपको मार रहा है तो आपको सबसे पहले ऐसे हाथ रोकना है। हाथ रोकने के बाद बंदे का हाथ इस तरह से पकड़ना है और अपना ये वाला पैर आगे लाना है और दुश्मन के पैर को यूं करके नीचे गिरा देना है और इस तरह से मारना है। इसके आप मारने के बाद आप इसके नाक पे मार सकते हैं, सोलर पैक्स पे मार सकते हैं, पेट पे मार सकते हैं, अपनी कोहनी से इसके ऐसे मार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई बंदा आपके ऊपर डंडे से प्रहार कर रहा है तो आप इस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दुश्मन को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन आप डंडे के प्रहार से अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल अलर्ट बटन को ऑन पे करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।